आईफोन के ऊपर ये लाइंस क्यों होते हैं, कैसे इस आदमी के बस खून से 22 लाख बच्चों की जान बच गई, और कैसे ये सेब शहद से भी ज्यादा मीठा है, और कैंडल ज्यादातर व्हाइट ही क्यों होती है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, एक बार अमेज़न का एक प्रोडक्ट बस 13 मिनट में आ गया था। अमेज़न से प्रोडक्ट मंगाने के बाद वो कम से कम 5 या 6 दिन में आता है, लेकिन आज तक की अमेज़न की सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी बस 13 मिनट की है, और इस चीज को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 21, एक ऐसा एप्पल है जो शहद से भी ज्यादा मीठा है, और इसका कलर पूरा ब्लैक होता है और अंदर से व्हाइट, पर ये बस टिबेट के कुछ जगह पर ही मिलता है, और रेयर होने की वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। नंबर 20, इस वीडियो को देखिए कैसे इसमें ऑक्टोपस अपना कलर चेंज कर रहा है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब ये सोते हैं तब इनको कभी कभी सपने आते हैं, और ये उन सपनों के हिसाब से अपने कलर को चेंज करते हैं, यानी कि सोते समय ये अनकॉन्शियसली अपने कलर को ऐसे चेंज करते रहते हैं, जो कि काफी कमाल का लगता है। नंबर 19, एक बच्चे के पिता ने बॉर्डर पर अपनी जान गंवा दी थी। इसके कई दिन बाद जब स्कूल जाने का वक्त आया तो उसे अकेले नहीं जाना था, जिसके बाद कई आर्मी वाले इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, और देखते ही देखते इस बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए 70 से भी ज्यादा पुलिस वाले आ गए, और साथ में और भी कई लोग थे जो इस बच्चे को खुश करने आए थे। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 2 मिलियन भी जल्दी होने वाले हैं। नंबर 18, एक ऐसा हाईवे है जो पूरा इंसान के हड्डियों से बना हुआ है, और ये हड्डी उन लोगों की है जिन्होंने इस रोड को बनाया था। ये रशिया में है, ये तब का रोड है जब रशिया किसी और देश का गुलाम था, और रशियन लोगों से इतनी ज्यादा मेहनत करवाई जाती थी कि वो रोड बनाते बनाते ही मर जाते थे, और दूसरे लोगों में इतनी ताकत भी नहीं होती थी कि वो दूसरों की डेड बॉडी को कहीं और लेकर जाएं। इसी वजह से आज इस रोड का 30% से भी ज्यादा हिस्सा हड्डियों से भरा हुआ है। नंबर 17, ये एशियंट वाटर वेसल्स बस पानी डालने से किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा पानी डालकर इसे ऊपर से नीचे करना होता है। सोचिए तब के लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। नंबर 16, ये फोटो आपको शॉक कर देगी। ये फोटो मधुमक्खी का है। ये बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में खींचा गया था, और ये जो आंखों में डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे डॉट्स एक ही आंख है, और इनको मिला के एक आंख बनती है। नंबर 15, पूरी दुनिया में बस 60 लोगों को ऐसी बीमारी है जिससे वो सब चीजों को बहुत बारीकी में याद रख सकते हैं। अगर सड़क पर जाते हुए उन्हें कोई बॉटल का ढक्कन भी दिखेगा तो भी वो हमेशा उसे याद रखेंगे, और जब से ये पैदा हुए हैं उनको उनके लाइफ का हर एक दिन याद है, और इस बीमारी का नाम है हाइपरथाइमिस। नंबर 14, अगर आपको ऐसी चीजें खरीदने का शौक है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आपको खरीदना है, तो आगे जाकर ऐसा करते रहने की वजह से आपको ऐसी चीजें बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको जरूरत है, और ये बातें मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आजकल कई लोगों के साथ होता है। नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस ड्रेस की वजह से गूगल ने इमेजेस का एक अलग ही सेक्शन बना दिया। यह जो ड्रेस है इसकी वजह से गूगल का इमेज सेक्शन बना। इस ड्रेस को जेनिफर लोपेज ने पहना था, और साल 2000 में इनकी एक ग्रीन ड्रेस इतनी ज्यादा फेमस हुई थी कि सबको इसके बारे में सर्च कर रहा था, इसलिए गूगल ने एक अलग ही सेक्शन बना दिया इमेज का, जहां से इसे डायरेक्टली देखा जा सकता था, और ऐसे इमेजेस का ऑप्शन बना। नंबर 12, एक चैनल है जो सिर्फ डॉग्स के लिए बना हुआ है, और यहां पर प्रोग्रामिंग भी डॉग्स ही करते हैं। ये चैनल इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये डॉग्स का ही है। इनका कहना है कि इनका चैनल लगा दोगे तो डॉग्स कई घंटों तक चुपचाप बैठकर टीवी देखेंगे। नंबर 11, कार एक्सीडेंट होते वक्त जो एयरबैग होता है वो बस आधे सेकंड के अंदर 300 किलोमीटर की स्पीड से खुल जाता है, और अंदाजे के लिए ये हमारी आंख छपकाने की स्पीड से भी 10 गुना तेज है। नंबर 10, एक औरत थी जो अकेले कैफे में बैठकर बर्थडे मना रही थी, और जब वहाँ के स्टाफ को इसके बारे में पता चला तो सबको बहुत बुरा लगा, और सब उसको सेलिब्रेट करने के लिए आ गए। ये देखने के बाद उसको इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उसकी आंख से खुशी के आंसू आ गए। जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था तो हर कोई इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। नंबर 9, निकोला टेस्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी एक पोर्ट्रेट बनाई गई थी। यहाँ इनके पोर्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जैसे कि टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, स्मार्टफोन और कई सारे होम अप्लायंसेस का यूज किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का दिख रहा है। नंबर 8, आपने ऑडियो बुक्स के बारे में सुना होगा, पर असल में ये ऑडियो बुक्स अंधे लोगों के लिए इन्वेंट हुए थे जो पढ़ नहीं सकते, पर आज इसे नॉर्मल लोग भी सुनते हैं और वो इन ऑडियो बुक्स से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आप भी इससे सीख सकते हो, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटावर्स जैसे ऑडियो बुक्स को आप बस सुनकर ही समझ सकते हो कुको FM के जरिए। ये इंडिया का लीडिंग
लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है जो कि मेड इन इंडिया है। इसके ऊपर 3000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मौजूद हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटावर्स ऑडियो बुक सुनी जो काफी इंटरेस्टिंग थी और लोगों को ये ऐप इतना ज्यादा पसंद आता है कि प्ले स्टोर पर इसे 4.5 रेटिंग मिली हुई है। इसके जरिए आप अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक सुनकर समझ सकते हो, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। जैसे मैंने पहले बताया था, अंडरस्टैंडिंग द मेटावर्स जैसे ऑडियो बुक को आप आराम से सुनकर समझ सकते हो। और आपके लिए हम लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव ऑफर जिसमें पहले 250 लोगों को 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि इनका जो 399 वाला ऑफर है वो बस आपको ईयरली 199 रुपीज में मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल करके डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और अनलॉक कीजिए नॉलेज को बस 199 रुपीज में। नंबर 8, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने हैक करके एक बॉम्ब बनाने के फॉर्मूला को चेंज करके कपकेक बनाने के फॉर्मूला में चेंज कर दिया था। उनकी एजेंसी ने एक बार अलकायदा वेबसाइट को हैक कर दिया था, यानी ओसामा बिन लादेन की वेबसाइट को, जिसमें बॉम्ब बनाने के इंस्ट्रक्शंस थे। और उसके बाद उन्होंने बॉम्ब बनाने के इंस्ट्रक्शंस को कपकेक बनाने के इंस्ट्रक्शंस के साथ चेंज कर दिया और फिर उनके कई लोगों ने आधा कपकेक बनाया। उसके बाद उन्हें पता चला कि भाई ये बॉम्ब नहीं बल्कि केक है। नंबर 7, इस आदमी के खून से 22 लाख बच्चों की जान बच गई। जिम हैरिसन नाम का एक आदमी है, इनका ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा ब्लड डोनेशन करते हैं। इनके ब्लड में एक खास एंटीबॉडी मिलती है जिससे बच्चों की बीमारी का एक ही बार में इलाज हो जाता है। इसलिए इन्होंने 50 साल में 1000 से भी ज्यादा बार ब्लड डोनेट किया है। इसके लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 6, ये एक बहुत ही गजब का फैक्ट है। आपने देखा होगा अफवाहें कितनी जल्दी फैलते हैं, लेकिन ये अफवाहें एक हेटर बनाता है। जो बेवकूफ होते हैं वो आगे फैलाते हैं और जो इडियट्स होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 5, पुलिस ड्रग्स को पकड़ती है तो पहले उसे केमिस्ट द्वारा टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये जो केमिस्ट है ये रोज नशे में काम करता था। ये हमेशा ड्रग्स के नशे में होता था और वहाँ जाके भी ड्रग्स लेता था। जब पुलिस को पता चला तो उसे जेल में डाल दिया गया। फिर कोर्ट में पता चला कि ये ऐसा पिछले 8 साल से करता आ रहा है। नंबर 4, ये कमाल की चीज है। कई लोग कैट्स पालते हैं, फिर जब काम पर जाने का वक्त आता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अगर आपको अपनी कैट को घर पर छोड़ना है तो ये तरीका कमाल का है, क्योंकि कैट्स को गोदी में बैठना अच्छा लगता है और ऐसे वो कई घंटों तक बैठी रह सकती है और फिर उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप कब आ गए। नंबर 3, ये देखो, ये सील क्रैब ईटर नाम की एक प्रजाति है और झींगे जैसे छोटे जीव को खाने के लिए उनके दांत ऐसे डेवलप हो गए हैं कि ये पानी को फिल्टर कर सकते हैं। ये पहले बहुत सारा पानी अपने अंदर लेते हैं जिसकी वजह से इनके ऐसे दांतों में वो छोटे जीव फंस जाते हैं और इनके दांत सबसे ज्यादा स्टाइलिश दांतों में से एक है। नंबर 2, एप्पल के आईफोन में आपने ये लाइंस देखी होगी, तो आखिर इसका काम क्या है? सबसे पहले ये डिजाइन को अच्छा और प्रोफेशनल दिखाती है, लेकिन इसके साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बिना आप फोन से कॉल नहीं कर सकते और इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते। दरअसल आईफोन की जो पूरी फ्रेम होती है वो मेटल और फिर उसके ऊपर ग्लास से बनी होती है, जिसकी वजह से आईफोन के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर नहीं आ पाती और बाहर की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स अंदर नहीं आ पाती। ऐसे में इस हिस्से को प्लास्टिक से बनाया जाता है जिसकी वजह से वेव्स का ब्लॉकेज ना हो। और आईफोन ही नहीं, आपको दूसरे मोबाइल्स में भी ये लाइंस दिख जाएंगी। नंबर 1, आपने देखा होगा कि कैंडल जो होती है वो पहले मोस्टली व्हाइट कलर की आते थे। आज तो कई अलग अलग कलर की भी कैंडल होती है, लेकिन ज्यादातर व्हाइट कलर की कैंडल यूज की जाती है। तो आखिर कैंडल का कलर व्हाइट ही क्यों होता है? दरअसल कैंडल को बनाने में पैराफिन नाम के एक केमिकल का इस्तेमाल होता है जो जलने में मदद करता है, और ये जो केमिकल है इसकी वजह से कैंडल को व्हाइट कलर मिलता है। पहले कैंडल को बस लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको इससे मतलब नहीं था कि उसका कलर कैसा है, जिसकी वजह से तभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज भी कोई दूसरे कलर की आप कैंडल लोगे तो वो भी जल्दी नहीं जलेगी, और व्हाइट कलर जल्दी जलता है क्योंकि वो पूरे वैक्स से बना होता है। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि 2 मिलियन भी बहुत करीब है। और हमारी अगली वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।